हे गाइस, वेलकम बैक। फाइनली हम फिर से वापस आ चुके हैं और एक और नए गेम प्ले के साथ। तो ये वीडियो पूरी देखो, एंड तक देखो। इसमें क्या अलग है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या हुआ इसमें गेम प्ले में। तो आप ये वीडियो पूरी देखो और एंड तक देखो। और हम उतरते हैं मिलिट्री बेस पर। इतना गंदा डैमेज देता है वो बंदा मेरे को, तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ नीचे कूदो, नहीं तो नॉक हो जाओगे। और मेरे पास हीलिंग नहीं है अभी, मैं हीलिंग ढूंढूंगा सबसे पहले। और गाइस, मैं डेली शॉट्स डाल रहा हूँ, आप जाके उसको देखा करो। अगर नहीं देखते हो आप, देखो जाके डेली स्नाइपर शॉट्स, क्लचेस शॉट्स, सब सारे शॉट जितने भी शॉट होते हैं मैं डाल देता हूँ जो मेरे को अच्छे लगते हैं। तो आप उसको जाके देखा करो यार, ठीक है। और मैं वही बोल रहा था कि नीचे आ जाओ, नहीं तो नॉक हो जाओगे और मेरी टीममेट हो जाती है नॉक, ठीक है। अब मेरे को हेल्थ किट नहीं मिल रही थी यहाँ पे, मैं वो ढूंढ रहा था कि हेल्थ किट मिले फिर जाऊँ मैं उसको बचाने। इतने में वो बोलती है मेरे पास हीलिंग है, आप ऊपर आके ले लो। मैंने कहा भाई जितने में मैं ऊपर आऊँगा ना कोई कहीं से चिपका देगा मेरे को। और ये डार्क जोकर जिसका प्लेन था, मैं सोच रहा था इसको मैं ही मारूँगा। तो अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ आगे चल के। तो हीलिंग मिल जाती है, हीलिंग करके मैं चाहता हूँ अपने टीममेट के पास। इतने में ये बॉट था सामने, तो इसको पहले नॉक फिनिश करते हैं। अब देखो मैं इसको रिवाइव नहीं दे रहा था, अब देखो मैं क्या करता क्या हूँ यहाँ पे। भाई सामने मेरे को ना खुलने में बंदे दिख रहे थे और भाई वो इतना गंदा डैमेज देता है मेरे को कि क्या ही बताऊँ। अगर मैं बिना हील किया अगर ऊपर में आ जाता ना तो मैं पिलता, सच बता रहा हूँ मैं यहाँ पे पिल जाता। अच्छा हुआ मैंने हीलिंग करा सबसे पहले। और शायद डार्क जोकर पिल जाते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे था ये बिल्डिंग सामने, यहाँ पे था वो बंदा, वो पिल जाता है। बस आप ये स्प्रे देखो स्कारल का रेड डॉट के साथ, और स्कारल में कोई अटैचमेंट नहीं है सच बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये नॉक हो जाता है, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। अब इसका मेरे को यहाँ पे कोई बंदा दिख नहीं रहा था, तो सीधा मैं जाता हूँ इसको फिनिश करने। और जब तक मैं जाता हूँ ये बंदा आराम से फिनिश हो जाता है। और भाई भाई यहाँ पे लूट ना क्या ही बताऊँ, ईटेक्स वेटेक्स सब पड़ा होता है यहाँ पे, बहुत अच्छी लूट करके बैठे हुए थे बंदे। अभी मैं टावर के यहाँ पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना दूर से कहीं से पड़ती है, अभी देखना। अब आराम से जा रहा होता हूँ, भैया जी को उंगली करनी ज़रूरी थी, अब उंगली करेंगे तो उंगली तोड़ी भी जाएगी। अब वो हम कैसे तोड़ेंगे अब देखो आप। भाई इस बंदे को ना इतनी दूर से हेडशॉट पड़ा, शायद लेवल 3 होगा इसलिए ये नॉक नहीं हुआ। तो अब जाते हैं इस बंदे की तरफ जहाँ पे ये बंदे थे। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं सामने में कोई बॉट दिखता है, इतने में एक और बॉट दिखता है मेरे को। तो ये तो वो बंदे नहीं थे, अब सामने थे रियल बंदे और मेरी टीम में दिखाती नॉक। अब इसको हमें फिर बचाना होगा और हम बचाएंगे ज़रूर ज़रूर बचाएंगे। सबसे पहले एक नीड खींचते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं, और ये बंदा आ जाता है आगे की साइड। अब मेरे पास कोई चांस नहीं था, मैं सीधा रश कर देता हूँ उसके ऊपर, इसको करते हैं सीधा नॉक फिनिश। अब इसका एक बंदे के और फुटस्टेप आ रहे थे और मेरे को वो पता चल गया था वो है कहाँ, वो सामने छत पर है। और भाई देखो सही टाइम पे मैंने उस बंदे को मारा और यहाँ पे मैंने क्या ही बचाया। तो शायद मिलिट्री बेस यहाँ पे क्लियर हो चुका था, अब हम ऐसे निकलने की तैयारी करते हैं। अब मैं आता हूँ कोचिंग की, कोचिंग की कोई नहीं होता सामने, यहाँ पे आता हूँ सामने दो बॉट लड़ रहे होते हैं, मैं यहाँ पे रोकता हूँ। सामने से आ जाती है गाड़ी,
और सच बताओ ना, बेचारा थोड़ा बंदा ही लेट हो जाता है ये एफएनसी साजिद करके। बेचारे को कवर में जाना था और ये कवर में नहीं जा पाया, और सामने इस बंदे को एक बॉडी शॉट मारता हूँ और ये कवर में चले जाता है। अब स्कूल में भी बंदे थे और अपार्टमेंट भी बंदे थे। अब मैं देखता हूँ कि किसी को हेड शॉट दे के नॉक करूँ, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ पूरा। अब जैसे ही मैं इधर आता हूँ, बस मेरे को सामने खिड़की पे बंदा दिखता है। अब इस बंदे का नाम नोटिस करना, ठीक है, A2 रोहित। इसको मैंने यहाँ पे नॉक किया और स्कूल में मेरे को बंदे दिखते हैं, मतलब ये बहुत गंदा फायर कर रहे थे, मतलब उंगली कर रहे थे बार बार। मैं इनको थोड़ा फायर वायर करता हूँ, ये कवर में भाग जाते हैं। कहाँ ले जाए गाड़ी? और भाई फिर अपार्टमेंट से कोई उंगली करता है, इसको भी एक बॉडी शॉट देता हूँ। अब ये भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। तो अब दोनों से साइड बंदे थे, स्कूल में भी और अपार्टमेंट में भी, ठीक है। और जोन आ ही रहा था, लगभग एक डेढ़ मिनट में जोन आ रहा था। अब देखो सामने मेरे को बंदा दिखता है, अब मेरा ध्यान इस पर, और भाई उस बंदे को हेड शॉट पड़ा था, वो नॉक नहीं हुआ, और इतने में अपार्टमेंट वालों ने उंगली करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मैं आता हूँ कवर में, जहाँ तक मेरे को एक टाइम पर मेरे को लगा ये बंदा हैकर है, क्योंकि बाइजन से इतनी दूर उसने मेरे को नॉक कर दिया। बाइजन से, समझ रहे हो गाइस, बाइजन से, M4 या बैरल वैरल से नहीं, सिर्फ बाइजन से। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, और अभी भी वो फायर ही कर जा रहा था बंदा, तो मेरे को लगा थोड़ा कि शायद कुछ गलत है बंदा। तो मैं हील करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हीलिंग ज़रूरी थी। गाड़ी? और इतने में आ जाती है गाड़ी। आप देखो ये बंदा क्या था, इस बंदे का मैं सनक थी क्या कोई? भाई मैं इसको बहुत गंदा डैमेज देता हूँ। इतने में वो बाइजन वाला बंदा मेरी टीममेट को नॉक कर देता है। मैं फिर स्मोक करता हूँ, और अभी आप खुद देखना, अब यहाँ पे मैंने स्मोक किया, अब वो बंदा फायर करता है, स्मोक के अंदर ही फायर करने में लगा पड़ा है वो बंदा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि निकलो यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे रह के। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे को बंदे दिखते हैं। अब ये नेम अप जो मैंने बोला था नोटिस करने के लिए, यहाँ पे नोटिस करना। अपार्टमेंट वाला बंदा जो यहाँ पर आ चुका था, उसको मैंने फिर नॉक किया हेडशॉट के साथ। अब सीधा रश। अब देखो अगर मैं थोड़ी और जल्दी करता ना तो क्या होता। तो इन दोनों को हम आराम से फिनिश कर देते हैं। तो मैं आराम से लूट रहा होता हूँ, जैसे मैं लूटता हूँ तो इनके शायद बंदे आ जाते हैं, दो बंदे। तो मैं जाता हूँ ओपन से कि मेरे को मार दूँ आराम से, लेकिन नहीं भाई। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी घबराहट होने लग गई। मैंने कहा नहीं भाई, वो प्रो है, थोड़े अच्छे बंदे हैं वो, क्योंकि उन्होंने एकदम से मेरे को डैमेज दिया। तो मैं आ जाता हूँ पीछे कि नहीं, इनको ऐसे नहीं मार सकते हम, क्योंकि ये थोड़े अच्छे बंदे हैं। और यहाँ पे मैं हल्का सा लेट हो गया, सिर्फ हल्का सा, और उसको सीधा हेडशॉट। इसका लेवल 3 हेलमेट टूट चुका होगा जहाँ तक मेरे को पता है। तो यहाँ पे वो बंदे नीड वगैरह करने का ट्राई करते हैं, इतने में ये बंदा, अब देखना मॉली कहाँ गिरती है। वहाँ कसम मॉली बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह फेंकी थी उसने। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक टाइम पे मेरे को लगा कि अब मेरा एंड हो चुका है। भी आप आगे देखना, इतने में मेरी टीममेट एक को नॉक करती है, उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। देखो इनका बचा था एक बंदा जो कि यहाँ पे था। अब यहाँ पे आता हूँ, मेरे को डैमेज देता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या भाई, अब यहाँ पे मेरे को लगा कि गया, यहाँ पे गेम प्ले ख़त्म, मैंने हार मान ली थी। लेकिन नहीं भाई, ये लड़की प्रो है, ये लड़की प्रो है।
ठीक है भाई, उस बंदे को एक भी गोली टच नहीं करी, एक गोली टच हुई होगी जहाँ तक 10-10% हेल्थ उसकी खाई होगी मैंने, 90% हेल्थ इसने खाई। और मैंने इसको पता है क्या बोला, भाई वो 1 HP है जाके मार दो। समझ रहे हो गाइज, तो ये लड़की प्रो है, हम मान गए। तो अब बचे थे कुल मिला के 4 बंदे। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, पता नहीं ये किससे कवर में कवर ले रहा होता है। तो दोनों बार ये मिस हो जाता है, और इतने में पता नहीं कहाँ से भाई, कहाँ से भैया जी कहाँ से मार रहे होते हैं, पता नहीं चलता मेरे को कहाँ से पड़ती है। मैं स्मोक करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं वहाँ से निकलना था। और इतने में पीछे बंदा भाई पीछे, अब मैं फंस चुका था, मैं जोन में भी जाना था और पीछे भी बंदा था एक, अब वो पता नहीं कहाँ पे था। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा वो गाड़ी पे फायर करेगा तो मेरे को उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो होता भी ऐसे, वो बंदा फायर करता है, मैं थोड़ा एंगल एंगल से देखता हूँ वो कहाँ पे है। और भैया जी यहाँ पे थे, और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी BGMI खेलते हैं गाइस, अगर आप खेल रहे हो मैच तो गाइस टीम अप मत किया करो, फाइट लीजिए आराम से फाइट लो। अगर आपने मार दिया तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ सीखते हो उससे कि ऐसी गलती नहीं करनी। तो आप फाइट लिया करो जहाँ तक मेरे को लगता है, टीम अप कुछ नहीं होता, आप टीम अप करके क्या मिलेगा, बातचीत ही तो होगी। तो आप फाइट लिया करो गाइस, ऐसे आप देखो इसने वो किया और देखो फायर कर देता है वो बंदा मेरे पे। तो यहाँ पे मेरे को डर लगने लगता है कि पहले तो इसने कूद रहा है फिर फायर कर दिया एकदम, तो वैसे ही मैं एक दो शॉट इसको डराने के लिए चला देता हूँ ताकि ये फायर ना करे। तो गाइस टीम अप मत किया करो, जो भी ये देख वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ टीम अप मत किया करो, तो फाइट लिया करो। अगर आपने आप अगर आप उस बंदे को मार दोगे तो आप अलग ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब देखो ये बंदा क्या कहता है, ये को कुछ समझ नहीं आया कि इसने बोला क्या। दूसरा बंदा कहाँ है, तो अब बचा था लास्ट बंदा, तो उसको मारेंगे सबसे पहले। और एक जो टीम अप वाला बंदा था एक वो था, और सामने मेरे को बंदा दिख चुका था। भैया जी आराम, बड़े प्यार से पड़े थे वहाँ पे, बस को मैं हेडशॉट मार के ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या करना होगा, अब मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको मैं बोलूँगा फाइट लो आराम से, कहीं दूसरे पत्थर के कवर में जाके स्नाइपर स्नाइपर खेलेंगे हम। लेकिन भाई इस बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, पैन फाइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है पैन फाइट करते हैं। तो अब देखो इसका पैन फाइट हम कैसे निकालते हैं। भाई बेचारे को 2 पैन लगे और ये मर जाता है, तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और शॉर्ट जाके देखो, अभी जाके देखो और ये वीडियो लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।